हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल है मशीन चैप्टर से। अ फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कट द मेटल। कह रहा है कि अगर एक मेटल को काटना है, अच्छा मेटल काटना है तो एक बात और आप समझ लें कि ये एक शीर्ष है। शीर्ष मतलब होता है मेटल कटर होती है, एक मेटल कटर होती है जिसका जो ब्लेड होता है, ये जो ब्लेड होता है ये ब्लेड छोटा होता है और ये आर्म जो होता है जहाँ पर हम उंगलियाँ डालकर हाथ से काटते हैं, यानी कि जो ये हैंडल होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, हैंडल बड़ा होता है और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष। ठीक है, इसको शीर्ष बोलते हैं। तो याद रखना अगर हैंडल बड़ा है तो ये इफर्ट यहीं पर लगाएंगे, इफर्ट यहीं पर लगाएंगे तो इफर्ट आर्म बड़ा होता है, ब्लेड छोटा होता है थोड़ा सा तो हम ये लोड यहीं पर लेते हैं तो लोड आर्म ये हो जाएगा। और हम यहाँ पर क्या पाते हैं कि इफर्ट आर्म जो होता है वो हमारा बड़ा होता है और लोड आर्म हमारा क्या होता है, वो छोटा होता है, लोड आर्म थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, सीरीज के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इफर्ट आर्म बड़ा है, लोड आर्म मेरा क्या है, छोटा है, इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया है। और इफर्ट यहाँ पर लगाते हैं, इफर्ट हम यहाँ पर लगाते हैं और लोड यहाँ पर लगाते हैं, लोड यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, लोड यहाँ पर लगाते हैं। ठीक है, लोड इधर ना होकर बल्कि इसका डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये लोड होता है, बीच में मेटल होता है, ये लोड होता है। ठीक है, और इफर्ट ये होता है, ये इफर्ट होता है, तो मेटल को काट रहा है ये। अब किसी मेटल को काटने के लिए 5 किलोग्राम फोर्स की रिक्वायर्ड है, यानी कि इफर्ट आपको दे रहा है, इफर्ट 5 किलोग्राम फोर्स की रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब कह रहा है कि अ पेयर ऑफ शीट्स यूज टू कटिंग द मेटल, देखो ये शीट्स नाम भी ले लिया, मेटल शीट हैज इट ब्लेड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। मेटल शीट की ये लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये क्या दिया गया है, लोड आर्म दिया गया है, ये लोड आर्म दिया गया है। वाइल द हैंडल आर 10 सेंटीमीटर, अच्छा ये हैंडल की लेंथ कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, तो ये इफर्ट आर्म हो गई, क्या हो गई है, इफर्ट आर्म हो गई, 10 सेंटीमीटर इफर्ट आर्म हो गई। व्हाट इफर्ट इज नीडेड टू कट, अच्छा एक मिनट, अ फोर्स ऑफ 5 किलोग्राम इज रिक्वायर्ड टू कट, अच्छा 5 किलोग्राम की लोड को कट करने के लिए कितने फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये है क्वेश्चन, तो हमने गलत कर दिया कहीं पर, ये इफर्ट नहीं है, ये इफर्ट नहीं है, ये लोड है, 5 किलोग्राम फोर्स, सॉरी फॉर दैट। तो 5 किलोग्राम का लोड लेने के लिए किस फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये था क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो व्हाट इफर्ट नीडेड टू कट द सीट, तो कुछ करना नहीं है आपको, मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लोड अपान इफर्ट, क्या होता है, लोड अपान इफर्ट, और इधर होता है इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म। अब आप देखें तो लोड कितना है, 5 किलोग्राम है, इफर्ट आपको ई मान लेना है, इफर्ट आर्म कितना है, 10 है, लोड आर्म कितना है, 5 है, कुछ करना नहीं है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 × 5 आ जाएगा और बाई 10 आ जाएगा, इफर्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/10 आ जाएगा, इफर्ट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 2.5 किलोग्राम फोर्स आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा।